Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. Today is Saturday night or we're not going anywhere. It's good, we are staying at home. So guys, it's advice, stay at home, stay safe. Saturday night hai to thoda interesting karne ke liye, to break the whole seriousness, yeah, to make the moment a bit lighter of coronavirus. So today I'm in the kitchen and I generally come in the kitchen to cook something or the other, but at least alternate days kuch na kuch ke liye apne taste ke hisab se. So today I'm gonna make Maggi with a twist. Guys, कोई पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है. मैंने तीन पैकेट मैगी के लिए, वो जो 10 रुपए वाले आते हैं, पानी सॉल्ट और ऑयल के साथ इनको बॉईल करने रखा हुआ है. इट्स बीन 2-3 मिनट्स जो बॉईल हो रहा है. हमने यहाँ वेजीज लिए हुए, स्लाइस्ड अनियंस, स्लाइस्ड टोमेटोज एंड सम स्लाइस्ड कैप्सिकम. आपके पास अगर कोई और वेजीज हो तो आप यूज कर सकते हो. बाकी मैं जो इन्ग्रीडियंट्स यूज करने वाला हूँ वो है ऑलिव ऑयल, फिर चिंग्स का फ्राइड राइस मसाला, अपना मैगी मसाला का पैकेट एक, सम बटर और गार्लिक पेस्ट, गार्लिक चटनी जो होता है वो. गाइज, हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कोई पैकेज आके जाए. वी आर जस्ट प्रिवेंटिंग एनी अदर पैकेज कमिंग इन आवर हाउस. मतलब और कॉन्टैक्ट जितना कम हो सके, फिजिकल कॉन्टैक्ट बाहर की दुनिया से उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब भी कुछ बोरिंग बनता है तो हम ये मैगी वैगी कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं घर पर. सो गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू, मैगी तो हो चुकी है, बॉइल कुक हो गया है. अब मैं स्ट्रेन करूंगा कोलैंडर लेके. हाँ, इसमें सोया सॉस भी यूज़ करने वाला हूँ इसमें. सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, सोया सॉस भी यूज़ करूँगा. अभी मैं कोलैंडर लेके स्ट्रेन करूंगा मैगी को एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट थ्रो आउट ऑल द वाटर. मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि वो सिंपल मैगी मसाला थोड़ा डिफरेंट चाहिए इसलिए. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सारे केमिकल्स अगर कुछ मैगी में है तो बॉइल्ड वाटर के साथ क्लीन होके फेंक दिए जाएंगे. So let's strain this and let's get back on strained. So the Maggi is strained and now let's move for the masala. Ye gas on kar rahe hain, gas on kar liya hai. Guys, kids, if you are using fire or gas, please be away and please be with parents or with someone elder to you. Nazdeek mein अब हम मसाला बनाएंगे. एज आई सेड, बटर एंड ऑलिव ऑयल 70-30 में मैं यूज़ करूँगा. कैमरा एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से कैमरा बनाना डिफिकल्ट है. बटर थोड़ा मजबूत है, दिख नहीं रहा है आपको गाइस, पर फ्रिज से निकाला है तो थोड़ा कड़क है. टूटने की कोशिश एक हाथ से कर ही जा रहा हूँ मशक्कत, पर टूट नहीं रहा. ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने, कैमरा रखूंगा मैं साइड पर एंड दोनों हाथ यूज करूंगा बटर के. भाई कुकिंग है, एक हाथ से नहीं होती, दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं. गाइस, हाथ धो के प्लीज खाना बनाना, कहीं पे भी कुछ भी करो हाथ धो के करना, टाइम बहुत बुरा जाता है. थोड़ा और बटर क्योंकि हमारी सेहत बहुत कम, इसलिए तो बटर बनता है. अरे यार, बटर अच्छा खासा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा होगा. तो थोड़ा बटर मेल्ट हो जाए ऑलिव ऑयल के साथ, अमेजिंग खुशबू है यार, अमेजिंग खुशबू. सो सॉटे द अनियंस फर्स्ट, अच्छी तरह से अनियंस को सॉटे देम आउट, भून लेंगे अच्छी तरह से. सब टीवी देख रहे हैं और मुझे लगा दिया मैगी बनाने के काम पे. गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट होम क्वारंटाइन या दैट द आइसोलेशन का दैट वी आर ऑल गेटिंग स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली. मतलब एवरी डे रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे मेरी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम कभी स्पेंड करने नहीं मिल रहा जितना मुझे आज मिल रहा है. मतलब इस टाइम समय में आप बिलीव नहीं करोगे, येस्टरडे नाइट मैं, मम्मी और डैडी, हम ऑलमोस्ट 1 आवर
एक डेढ़ घंटा तक वी प्लेड कार्ड्स एंड इट वाज अमेजिंग, सुपर फन, बहुत मजा आया भाई। यही तो मजा है यार, अगर ये सब नहीं हुआ तो कुछ कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं हम कैसे चीजें करें, आगे कैसे बढ़ाते हैं। मतलब आई नो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, बट देखते हैं कि कैसे कर सके। सो गाइस, अनियंस ऑलमोस्ट सौते हो गए हैं, अब दूसरे वेजीज डालने का टाइम आ चुका है। लेट्स पुट अदर वेजीज। जितने भी मेरे वेजीज हैं सो वो साथ में कुक हो जाए। इट्स टाइम टू सॉटे दीज वेजीज, अच्छी तरह से कुक होना जरूरी है वेजीज भी, वरना थोड़े रॉ भी रह जाएंगे तो चलेगा, बिकॉज टमाटो और कैप्सिकम तो सैलेड जैसी चीजें खा सकते हैं, थोड़ा रॉ भी। ज्यादा गलाना मत, ज्यादा भून मत लेना, तो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे एंड देन द क्रंच विल नॉट बी देयर विद द मैगी, क्योंकि क्या है ना, ये मैगी जब पकती है तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना देखने लगे उतना। मुझे पैकेट आधा पैकेट ऑलमोस्ट आधा पैकेट डाल दिए तीन। गाइस क्वांटिटी ऑफ वेजीज, क्वांटिटी ऑफ द मसाला, एवरीथिंग इज अप टू यू, ठीक है। आपको वेजीज ज़्यादा पसंद है मैगी के साथ तो ज़्यादा वेजीज लो, कम वेजीज पसंद है तो कम वेजीज लो, तीखा ज़्यादा पसंद है तो मसाला ज़्यादा डालो, आपको जैसे आपके हिसाब से। एज आई टोल्ड यू, इसकी कोई रेसिपी नहीं है, ये झटका कुकिंग है, इसको हम झटका कुकिंग बोलते हैं। ये जो मन में है डालो, एंड बिलीव मी ये जो इम्प्रॉम्प्टी कुकिंग है ना बहुत ब्यूटीफुल बनती है। मतलब इसका जो टेस्ट है ना, इट इज टोटली डिफरेंट देन नॉर्मल प्लान्ड कुकिंग। अब मैं ये मैगी का मसाला भी डाल दूंगा इसी में, चिंग्स का मसाला है ना, व्हेन यू पुट इट लाइक दिस, जब पानी में नहीं डालते हो ऐसे डालो, वो गट्ठे क्लॉट मतलब क्लॉट्स बनना शुरू हो जाता है, गट्ठे बनना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा पानी डालिए कुक पे, अगेन पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि ज़्यादा सॉसी हम लोग को पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सॉसी पसंद है तो ज़्यादा पानी डालिए, देन यू हैव टू पुट सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, बट जितना धीरे धीरे पानी डालेंगे वो धीरे धीरे डिसिपल होते रहेगा, इवापोरेट होता रहेगा और उतना टेस्ट ज्यादा बेटर बनेगा। बट सो एज आई टेलिंग यू कि इम्प्रॉम्प्टी जो कुकिंग होती है, इसकी रेसिपी नहीं होती, मजा आता है बनाने में, मजा भी आता है और टेस्ट भी बहुत सही होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर ये सिर्फ वापस सेम चीज आफ्टर 20 मिनट्स यू आस्क मी टू मेक, इट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। मतलब ऑफकोर्स क्योंकि रोज अगर बनती हो तो इसकी सेट रेसिपी हो जाती है, पर अगर नहीं है सेट रेसिपी तो इट कैन बी, इट विल बी जस्ट टेस्ट टोटली डिफरेंट। मतलब आई रिमेम्बर मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया था, बनाया वाज इन माय कॉलेज डेज, और इट वाज टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने एग वेग डाल के बनाया था, आई रियलाइज
कि मैगी ऐसे भी सही लगती है। मसाला इस वेल कुक्ड है और मैगी डाल सकते हैं। अगर आप लीजी हो तो मैं तो बोलूंगा, अगर आप लीजी हो आपको कुछ करना नहीं है तो मैगी डाले, पानी डाला, मैगी मसाला डाला, मैगी डाला, डन। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना हो तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। कमिंग टू मैगी नाउ, मैगी स्ट्रेन कम्प्लीटली हो चुकी है, पूरा पानी खत्म हो चुका है। मैंने बोल दिया मुझे उसका मैगी का पानी नहीं पसंद है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस मैगी, ये जो है ना गट्ठे बन जाती है मैगी का, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका। सो इफ यू गाइस हैव अ सॉल्यूशन, इफ एनीवन हैव अ सॉल्यूशन टू दिस, प्लीज टू कमेंट, आई वुड अप्रिशिएट। मे बी नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर दैट ये मेरे दिमाग में रखूंगा मेकिंग मैगी। हाँ, ये मैगी टूट जाता है, मतलब टूट जाती है, काइंड है स्लर्पी जैसे नॉर्मल मैगी बनती है वैसा नहीं बनता, बट ठीक है, वी लाइक इट दिस वे। आपको अगर पसंद हो तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। Now let's take it to the cooked Maggi. मैंने सोया सॉस डाला था, I forgot to show you. थोड़ा सोया सॉस डाला था, जितना स्पून मैं यूज कर रहा हूँ कुकिंग के लिए उतना एक स्पून फुल सोया सॉस डाला था। तो सोया सॉस डालोगे तो गाइज रिमेम्बर नमक मत डालना, वरना नमक मतलब समझ के डालना, क्योंकि सोया सॉस थोड़ा नमकीन ही होता है इसकी, तो नमक मत डालना। सो गाइज दिस इज इट, अ मैगी विद अ ट्विस्ट, looks yummy. You can serve, you can put it on a bowl or a plate and you can eat with, मतलब एक अगर आपके पास वेजीज है तो गार्निश भी कर सकते हो, यू कैन ईट विथ समथिंग क्रंची। वी यूज कुकर में पोटेटो वेफर्स हैं या फ्राइड नूडल्स जैसा कुछ है, जो भी आप बनाना चिप्स यूज कर सकते हो, आपको क्रंच मज़ा आएगा तो आप खा सकते हो। एंड गाइस ट्राई इट एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू कमेंट। सो गाइज आई होप यू गाइज लाइक द मैगी विद अ ट्विस्ट। थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ा हटके होना चाहिए। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग फॉर मसाला मैगी, डोंट गेट ऑफेंडेड गाइज, मुझे भी मसाला मैगी बहुत पसंद है, पर कभी कभी कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, पास दिस मैसेज टू यू, प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रोंगर, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, सैनिटाइज देम, यूज डिसइनफेक्टेंट्स, don't get out of the house guys, don't get out of the house. I get 2-3 people calling every day ke chalo milte hain, ghumne chalte hain. guys kya ghumne chalte hain, don't get out, maintain social distancing, that is what this coronavirus ka dushmani social distancing hai jo hum nahi follow kar rahe hain. agar humne wo social distance maintain kiya to we are all safe, we can just break the chain of this infection and we can reduce or stop the rate of infection which is spreading, and we can just stop the infection here itself. We are just on stage 2, phase 2 mein hai abhi bhi, hum kar sakte hain guys. So please stay at home. Thank you so much for watching the video, please like, share and comment and do subscribe.